हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने दो बाइक खड़ी हुई है। एक है दोस्तों KTM की ड्यूक 200 और एक है दोस्तों KTM की ड्यूक 250। अब दोस्तों, जब भी आप शोरूम आते होंगे KTM के, तो आपको दोनों बाइक देखने को मिलती होगी। तो आप लोग कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर होता होगा आपको कि भाई हमें दोनों में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखिए, वैसे तो ये डिपेंडिंग ऑन योर बजट, बाइक कितना आपके पास बजट है उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी दोस्तों, अगर आपका दोनों बाइक का बजट है, तो हमें थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि 250 के साथ में जाना चाहिए फ्यूचर प्रूफ के लिए, या फिर KTM के ड्यूक 200 लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोनों बाइक का डिटेल में आपको मैं कंपेरिजन बताने वाला हूँ कि दोनों बाइक में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सो आई होप दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आप डिटेल में देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सकें एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस डिफरेंस के बारे में। दोनों बाइक में आपको क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है? अब जहर सी बेहतर, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों अपने बजट के बारे में सोचते कि भाई हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास बजट होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है, उसके हिसाब से हम किस चीज़ को डिसाइड करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बाइक आपको ऑन रोड पर जाती है लगभग मेरे यहाँ 232,32,000 के आसपास की है। ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों 250 के बारे में, तो 250 दोस्तों हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस आती है लगभग 2,80,000 के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। मतलब दोस्तों, अगर आप दोनों बाइक का डिटेल में कंपैरिजन करें, तो दोनों में आपको ऑलमोस्ट लगभग 50,000 यानी कि 50,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्राइस तो नहीं है, मतलब डिफरेंस, बट हाँ डिफरेंस तो आपको मिलता है भाई, 50,000 डिफरेंस आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों बाइक के कंपेरिजन में। सबसे पहले मैं आपको 200 की लाइट दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं की ऑन करूँगा, यहाँ पे आपको बाइक में LED डियरल लाइट मिलता है। वही लाइट में आपको बाइक में फुली LED लाइट मिल जाती है। मैं आपको पास मार के दिखा देता हूँ, यू कैन सी बाइक में आपको फुली जो LED लाइट है वो आपको बाइक में मिल जा रहा है। बटन सिंगल लैप है दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पे LED देखने को मिलेंगे। बात करें 250 के बारे में, की ऑन करता हूँ। जैसे ही आप की ऑन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे बाइक में LED डियरल लाइट मिलेगा। बट 250 की लाइट, 200 की लाइट थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है यार, इसकी डियरल लाइट ज़्यादा ब्राइट आती है। मेन लाइट में से आपको फुली LED लाइट मार्क मिलती है। यू कैन सी बाइक में आपको फुली LED लाइट मिल रही है, जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी लगती है। जो टनल सिग्नल लैप है, वो आपको यहाँ पे LED देखने को मिलेंगे। टनल सिग्नल लैप भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके भी जो टनल सिग्नल लैप है, बहुत ही प्रीमियम आपको बाइक में मिलेंगे। बात करें सस्पेंशन के बारे में दोस्तों, 200 में आपको फ्रंट में WP के सस्पेंशन देखने को मिलता है। 43mm की USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। एंड इस पे दोस्तों 250 में आपको WP के एपेक्स वाले 43mm की USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आपको मिलेगा कि 250 में WP के एपेक्स वाले आते हैं, 200 में आपको WP के नॉर्मल सस्पेंशन आते हैं। टायर से भी दोस्तों फ्रंट में, वैसे तो दोनों में सेम टायर आता है, 110/70 का टायर है दोनों में, लेकिन एक फ़र्क है, 250 में नया वाला MRF का टायर आता है, 200 में आपको पुरानी वाली जो MRF का टायर है वो आपको मिलेंगे। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग में दोस्तों स्पेशल फीचर में दोनों बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS आपको दोनों बाइक पर देखने को मिलता है। ड्यूक 200 में फ्रंट में आपको 300mm की प्लेट आती है, और 250 में आपको फ्रंट में 320mm की डिस्क प्लेट आती है। तो ये एक आपको फ़र्क मिलेगा। बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों, KTM ड्यूक 200 में 119.5cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन आपको बाइक में मिलता है। KTM ड्यूक 250 में फ्रंट में आप लोगों को 249cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक LC4C इंजन आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, 200 में मैक्सिमम पावर में 25 kPS पावर है, 19.3 का टॉर्क है। 250 में आपको 31 kPS पावर है, 25 के आसपास का नीडियम मीडियम टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। मतलब पावर एंड टॉर्क जाहिर सी बात है 250 में आपको ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों 250 में एंड 200 में दोनों में वैसे लिक्विड कूल इंजन मिलता है, बट अपने जो 250 इसमें आपको राउंड शेप में यहाँ पे रेडिएटर मिलता है, और 200 में आपको फ्लैट रेडिएटर मिलता है। 250 में आपको स्लीपर क्लच भी मिलेगा और किक शिफ्टर भी मिलता है, बट 200 में आपको किक शिफ्टर एंड जो स्लीपर क्लच है दोस्तों वो आपको नहीं मिलता। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस आपको बाइक पे देखने को मिल जाता है। दोनों बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, बट 250 में राउंड शेप में एक रेडिएटर है, जो कि कर्व भी हम जिसे कहते हैं, तो उसका जो रेडिएटर है ज़्यादा कूलिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट रेडिएटर। बट 200 के हिसाब से फ्लैट इनफ है,
250 के हिसाब से कर्व जो है इनफ आपको निकल के मिलेगा। बाकी E20 BS6 नॉर्मल जो इंजन है आपको दोनों बाइक में मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे, क्योंकि हर किसी के राइड करने का जो तरीका होता है ना वो काफ़ी अलग होता है। 200 आपको 35 का माइलेज ऑफर करेगी, 35 टू 40, और अपनी जो 250 लगभग 30 टू 35 के आसपास का माइलेज ऑफर करती है। 200 की टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, 250 की टॉप स्पीड है लगभग 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। टेल लाइट में दोस्तों दोनों में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप 250 की टेल लाइट देख रहे हैं ऑन है, जो कि बहुत प्रीमियम आपको मिलेगी। एंड 200 में भी आपको LED जो टेल लाइट है वो आपको बाइक में फ्रंट में देखने को, रियर में देखने को मिल जाता है। दोस्तों टायर साइज में 250 में रियर में 150-60 के टायर मिलेंगे, 200 में आपको 150-60 के टायर मिलता है। दोस्तों 250 में आपको रियर में 240 mm की डिस्क प्लेट मिलती है, 200 में आप लोगों को 230 mm के आसपास की जो डिस्क प्लेट है वो आपको देखने को मिल जाती है। सीट में आपको दोनों बाइक में स्प्लिट सीट मिलता है, 1:2 दो पार्ट में सीट है। दोनों में आपको रियर में अंडर बेली जो एग्जॉस्ट आपको बाइक में मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। दोस्तों 200 में आप देख पा रहे हैं इसमें आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये टेकोमीटर है जिसे RPM मीटर कहते हैं, ये आपका गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे साइलेंसर इंडिकेटर है, ये इसका इंजन टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको क्लॉक मिलता है, ये फ्यूल इंडिकेटर है, साथ में लो फ्यूल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, साइलेंसर इंडिकेटर है, प्लस डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी आपको बाइक में मिल जाएगा। ये दूसरे स्विचेस हैं, इससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब 250 के बारे में। देखिए 250 का जो स्पीडोमीटर है भाई वो अलग ही है। इसमें आपको नया TFT मिलता है, नया LCD पैनल मिलता है। इसमें आपको जो फीचर है ना आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू 200। क्या क्या फीचर आते हैं इसमें, सबसे पहले ये क्लॉक है, ये गियर इंडिकेटर है, ये इसका टेकोमीटर है जिसे RPM मीटर कहते हैं, ये इंजन टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लस ये फ्यूल इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको ओडोमीटर भी देखने को मिलता है, ये इंजन टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको रियर ABS ऑन ऑफ, यानी कि ABS को आप सुपर मोटो एंड रियर में ABS में डाल सकते हो। यहाँ पे स्विचेस है जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिलेंगे, लाइक ABS, बाइक इन्फो में इंजन टेम्परेचर, क्लॉक, ओडोमीटर सर्विस है, उसके बाद ट्रिप इन्फो है, उसके बाद दोस्तों नेविगेशन है, नेविगेशन के बाद ऑडियो प्लेयर है, ऑडियो प्लेयर के बाद लैप टाइमर है, लैप टाइमर के बाद सेटिंग्स है जिसमें आपको फेयरवेट क्यूब सेलेक्टर, शिफ्ट लाइट, ये सारी यूनिट्स, ये एक्स्ट्रा फंक्शन, सारे फीचर आपको बाइक में मिल जाता है। स्विचेज में ये हजार्ड का स्विच है, स्पीडोमीटर कंट्रोलर है, टर्न सिग्नल लैंप है, ये ऑन है, यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। ठीक, तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 वर्सेस KTM ड्यूक 200 का डिटेल कंपैरिजन। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको दोनों में कौन सी बाइक लेनी है। मेरे हिसाब से दोनों बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट फ्यूचर प्रूफ में जा रहा तो आई थिंक जो 250 वो ज़्यादा बेहतर निकल के आती है। सुमित करता है छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, न्यू वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नवी हो जय हिंद, वंदे मातरम।